अगर आप एक नए प्लेयर हो बैटल बुल में और आपको ऑप्शन दिया गया है कि आपके डेली टास्क को कंप्लीट करो, और आपके डेली टास्क में आपको दिया गया है कि आपका टेलीग्राम यूज़र आईडी को एक्टिवेट करो, तो आप कैसे करते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये सभी को ऑप्शन नहीं रहेगा, बट उनको ऑप्शन रहेगा जो टेलीग्राम चैनल में उनका यूज़र आईडी कुछ नहीं दिया है, नन दिखाएगा, वहाँ पर लिखा आएगा नन, NONE नन। बट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टेलीग्राम चैनल में मेरा ऑलरेडी यूज़र आईडी बना हुआ @KaranKotawar, इसको हम कॉपी कर लेना है या अपने को आगे जाके काम आएगा, ठीक है। तो अभी मैं चलता हूँ कि अगर आपके बैटल बुल जैसे आप गेम ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अर्निंग में, और वहाँ पर जैसे आप अर्निंग पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि आपका डेली टास्क में कैसा ओपन होता है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं पहले अपने जाके कि आपको कहाँ से ये सेटिंग चेंज करना है और आपका टास्क कैसे कंप्लीट करना है। तो आपको पहले अपने टेलीग्राम चैनल पे जाना है, जहाँ पर ऊपर में 3 dots दिख रहा है, 3 linings, वहाँ पर 3 linings पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको फिर नेक्स्ट आपको सेटिंग में चले जाना है। जैसे आप सेटिंग में चले जाएंगे तो आपको इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और नीचे आपको दिख रहा है एक ऑप्शन, मैंने यहाँ पर पहले एक ऐड नाम ऐड करके रखा है, बट इसको मैं अभी चेंज करके दिखाऊंगा। अगर आपका वहाँ पर NONE नन लिखा रहेगा तो आपको इसको क्लिक कर लेना। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एम्प्टी दिखेगा, कुछ नहीं लिखा दिखा देगा। जैसे यहाँ पर अभी मैंने अपना पहले जो नाम था उसको कट किया है, वैसे आपको दिखेगा। तो यहाँ पर आपको अपना जो भी यूज़र नाम है उसको टाइप कर लेना है। मैं यहाँ पर अपने मॉम का नाम टाइप करता हूँ, संजो गीता। तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि वो नाम अवेलेबल है या नहीं है, तो ये नाम अवेलेबल है यहाँ पर हमें दिख रहा है, तो आपको इसको डन करने देने आना। ऊपर में एक राइट क्लिक दिख रहा है, राइट मार्क, तो उसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डन हो जाएगा। बट आप कंफर्म कीजिए कि जब आप जो भी यूज़र आईडी डालेंगे तो आपको वहाँ पर अवेलेबल दिखना चाहिए ग्रीन कलर में। अगर आप सपोज़ यहाँ पर गैप देंगे या कुछ उल्टा पुल्टा लिखेंगे तो यहाँ पर वो अवेलेबल नहीं होगा। जैसे एक मैं एक बार Kotawar यहाँ पर टाइप किया तो किसी ने ऑलरेडी लिया है। अगर आप डॉट डालेंगे तो डॉट एक्सेप्ट नहीं करेगा, ओनली ये नाम और नंबर से एक्सेप्ट करता है, बीच में डॉट और क्या बोलते हैं कॉमा फुल स्टॉप या @ लगाएंगे तो कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट आपको सिंपली नाम और नंबर टाइप करना है तो ही यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा। तो अभी ये सब क्लियर हो गया है, तो अभी मैं यहाँ पर संजोगिता Kotawar भी एक बार टाइप करके देखता हूँ कि ये अवेलेबल नहीं है या ये अवेलेबल है। तो आपको इसी तरह सिंपल सा टाइप करना है, जहाँ पर जब तक टाइप करना है जब तक नए नए ट्राई कीजिए जब तक आपको नीचे ग्रीन नहीं दिखता। जैसे ग्रीन एक बार दिख गया तो आपको राइट साइड में ऊपर में एक राइट वाला एक सिंबल दिख रहा है, उसको वहाँ पर टाइप करने के बाद जो भी आप पे अवेलेबल है उसको क्लिक कर लेना है, तो आपको अपना यूज़र आईडी क्रिएट हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, जहाँ पर मैंने अभी राइट साइड में अभी बॉक्स को एक दिखाया है आपको, वहाँ पर जैसे आप ओके पे दबा देंगे तो आपका यूज़र आईडी यहाँ पर क्रिएट हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा यूज़र आईडी संजो गीता है। अभी आपको मैं और थोड़ा डिटेल में बताऊँगा, अगर आपका कोई भी टेलीग्राम चैनल है आपका पर्सनल आईडी नहीं है, पर्सनल नेम कुछ भी उल्टा पुल्टा रहा, तो आपको क्या करना है, आपका जैसे ये डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आपका प्रोफाइल के ऊपर 3 dots लिखे रहेंगे, जैसे वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा एडिट इन्फॉर्मेशन। जैसे आप एडिट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो पलक ऐसे के है वो नाम आपका डिस्प्ले हो जाएगा। आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं अभी यहाँ रखता हूँ संजो गीता,
और सरनेम के नीचे मैं के रख देता हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं टाइप कर लेता हूँ संजोगिता, और यहाँ पर मैं बस के रखता हूँ। तो फिर आपको राइट साइड में एक डॉट राइट वाला मार्क दिख रहा है, आपको वहाँ पर क्लिक कर लेना है सिंपल सा। जैसे वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका वहाँ पर जो बेसिक इंफॉर्मेशन था, आपका यूज़र नेम और सरनेम, वो अपडेट हो गया है। अभी यहाँ पर आपका पर्सनल नाम, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो भी नाम है, जो रियल नाम है, वहाँ पर अपडेट हो चुका है, और आपका यूज़र आईडी भी अपडेट हो गया।